हे वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से आए हाउस फ्लिपर में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने दो मिशन किए थे, उसमें पैसे मिले थे, ठीक है। तो इसमें मेरे पास अच्छा खासा अभी 50,000 के आसपास कैश है, ठीक है। तो इसमें मैंने लास्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपना जो ऑफिस है वो परचेज करूंगा। आपने देखी मेरे ऑफिस की कंडीशन देखी होगी कैसा था, ठीक है। तो मैंने नया ऑफिस परचेज किया, ठीक है। तो इसको चल के अपन एक्सप्लोर करेंगे और जो इसमें गंदगी वगैरह है, जो अपन जो टास्क वगैरह वो अपन इसमें कंप्लीट करेंगे, जैसे कि अपना जो भी है क्लीन एरिया क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस हिसाब से ऑफिस मेरे को डिजाइन करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से डिजाइन करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा मैंने मैंने ऑफिस किस हिसाब से डिजाइन किया, कैसा किया, ठीक है। तो उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी चल के हम इस ऑफिस को एक्सप्लोर करेंगे, कितना बड़ा मैंने लग्जरी ऑफिस परचेज किया है, इसमें क्या क्या है। तो चलिए अपन चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर आपकी वीडियो कैसे लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलते हैं अपन इस में और ऑफिस में। ये आप अपनी मेन ऑफिस की यहाँ से एंट्री है, ठीक है। तो ये अपना मेन गेट है, यहाँ से एंटर होंगे। एंटर होने के बाद ये अपना एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है। तो ये अपना ऑफिस का बड़ा सा हॉल है, इसमें आप मेरे को बताइएगा। तो ये मेरे को देखो मेरे को किस जैसे लगेगा उस हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा। अगर दीवार मेरे को कुछ पसंद नहीं आएगी, कोई रूम ज्यादा होंगे या कम होंगे, तो मैं उस हिसाब से ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अपना स्टाफ वगैरह भी रखेंगे तो उस हिसाब से अपन को रिक्वायरमेंट रह सकती है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कितना अपन को ऑफिस चाहिए और कहाँ पर कौन सा एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे रूम्स है, तो वन बाय वन चल के अपन इनको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है, मेरे को भी पता नहीं। ये बेडरूम है फर्स्ट नंबर साइड, ठीक है। तो ये बना हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको रूम बनाएंगे, ठीक है ना। अपना ऑफिस है, ठीक है ना। मैंने परचेज किया तो उस हिसाब से बाहर बेडरूम लिखा, ठीक है ना। अपन ने जैसे परचेज किया उसके लिए ये बेडरूम था, ठीक है ना। क्यों अपन एक बड़ा लग्जरी रूम जो अपन ने ऑफिस परचेज किया, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत बड़ा रूम है ये भी, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लिविंग रूम में बोल रहा है, तो अपन लिविंग रूम में भी गंदगी वगैरह देख लेते हैं। ये तो साफ तो करेगा नहीं, तो फिर फालतू में क्यों बता रहा है, वो करेगा ही नहीं, तो ठीक है। तो अपन ये सेकेंड वाला रूम है, अब इसमें चलते हैं, ठीक है। स्मॉल रूम, स्मॉल रूम में क्या क्या है, इसको बाथरूम बना देंगे अपन, ठीक है ना। इसमें अपन की कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको बना देंगे बाथरूम, क्यों छोटा सा रूम है तो इसको भी ये बाथरूम बन जाएगा, ठीक है। और बाकी देखेंगे और क्या क्या है, अपन उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। आप मेरे को बताइएगा मेरे को कहाँ पे बाथरूम बनाना चाहिए, कौन से ऑफिस में कितना रूम बड़ा होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी है आप मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये पता नहीं क्या क्या है, गंदगी सफाई। तो यार ये ग्लास यहाँ पे साफ कर रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है, मेरी ये समझ में नहीं, मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पे मैंने वहाँ टैप तो किया था बट नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये हो गया टोटल क्लियर, ठीक है। अरे हाँ रे, रहने दे, वो हो गया। अब ये जैसे यहाँ पे क्लास पड़ा था, मैंने उस टाइम टैप किया था, उस टाइम तो नहीं क्लीन किए। चलो कोई बात नहीं, अब कर रहा है, अब करना है यार, क्या बार बार मतलब एक एक बार टैप करवाएगा क्या, क्या है मतलब कुछ भी फर्जी डिजाइन किया गया है गेम में। थोड़ा गेम वाले को लेग्स तो है ना चेक करने चाहिए, ठीक है। तो अपन ने ये दो रूम तो चेक कर लिया, तीसरा रूम है, ये भी बाथरूम है इनका, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अपन इसको डिजाइन कर लेंगे, वो छोटा है तो उसको ब्रेक कर देंगे, तो थोड़ा अपना जो मेन ऑफिस है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, तो अपन इसको बाथरूम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी अपन ये गंदगी वगैरह अपन इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा यार थोड़ा क्या साफ सफाई, अभी अभी साफ सफाई कर लूंगा तो बाद में क्या है, बाद में डिजाइन करूंगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना, वरना उस टाइम साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी अपन जो है साफ सफाई वगैरह कर लेते हैं, और एक और रूम है उसको भी अपन चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इसको पूरा साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लग रहा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अपन इसको क्लीन डट्टीज एरिया, काफी सारी जगह जगह होगी जब तक, तो डट्टीज प्लेस चार जगह है, हाँ रूम भी है यार। मेन जो हॉल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, लिविंग रूम इन जो बनाया हुआ था, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से ये तीसरी प्लेस है, इसको ये यहाँ पे ये है, इसको भी अपन अपनी सेल कर देंगे, ठीक है ना। वहाँ फालतू में बीच में दिक्कत हो रही है, कोई मतलब तो है नहीं काम का। और इन्होंने कलर नहीं किया, प्लास्टर वगैरह कुछ भी हुआ नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कुछ तो अपन को ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा कलर नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, अच्छा एक ही जैसा लग रहा है ना, अभी कुछ होगा नहीं तो अपन अच्छे से कलर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपन को भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया है, कलर नहीं हुआ वरना दिक्कत होती है फालतू में, ठीक है ना, वरना पता ही नहीं चलता। रूम अपन ऑफिस परचेज किया है, अपन ने कोई हाउस, ठीक है ना। तो अपन लास्ट वाला जो ये अपना पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। अभी तो और तो कोई नहीं, किचन, अब किचन नहीं है वो, ठीक है ना, मैंने ऑफिस परचेज किया, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा क्लीन कर लिया, ये ऊपर छोटे छोटे लट्टू ठीक लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। अपन इसको सेल कर देते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसको स्कैनर लेते हैं, भाई दे दे यार मेरे को पैसे की कोई है नहीं। अब क्या तुम इसको वो 10,000 तो दोगे नहीं, जो मैं सोचने बैठू हुआ मजा आ गया।
ठीक है, बाकी अपन देख लेंगे स्विच वगैरह दिए हुआ, अपन यहाँ पे चेक करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो अपन इसको चलते हैं। हाँ चलो, ये सील होता है, सील कर दो। इसके कुछ मतलब पैसे नहीं मिलते हैं, इसके भी मिलते हैं। ठीक है, अपन को प्लास्टर चाहिएगा, ठीक है। प्लास्टर की बकेट अपन ने परचेस की है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो अपन इसको भी अच्छा हुआ स्कैनर साथ में रखा हुआ है, वरना बार बार इसको स्कैनर को निकालना पड़ता, वापस निकालना पड़ता, ठीक है। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एक और गंदगी कहीं है, कुछ बॉक्स वगैरह पड़ा होगा। चेक 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 चेक, क्या है? किचन प्लास्टर करना, अच्छा सॉरी प्लास्टर करना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो प्लास्टर ये रहा, अपन यहाँ से करेंगे। ओ हो, अभी भी 90 रुपीज़ मिल रहा है, लेकिन सॉरी ब्रदर, अभी नीचे है 90 रुपीज़, ठीक है। इस प्लास्टर को अपन लेंगे और ये एक जगह पर जहाँ करना है यहाँ पर प्लास्टर कर लेते हैं। अरे मतलब यहाँ पे भी प्लास्टर, देखो ये यहाँ पे बकेट नहीं परचेस की हुई, लास्ट वाले में बकेट परचेस की हुई, ठीक है। यहाँ पे बकेट परचेस नहीं की हुई, बस इतना सही है, ठीक है ना, क्यों? लेकिन यहाँ पे भी प्लास्टर, ये देखो यहाँ पे हुआ, हो सकता है उसके बाद में ब्रेक हुआ, लेकिन प्लास्टर एकदम फ्रेश लग रहा है, ठीक है। पता नहीं कोई चीटिंग कर रहा है अपने साथ, कोई बात नहीं। अपन ने इसको पूरा क्लीन कर लिया है, मैंने आपको जैसे कि 4 रूम थे, ये थोड़ा बड़ा है, ये सबसे छोटा है, और ये थोड़े ठीक ठीक है, ठीक है। तो अपन इनको देखेंगे जिस हिसाब से रखना होगा उस हिसाब से रखेंगे। ये थोड़ा लेंथ में लंबा है, ठीक है, और ये भी उसी के हिसाब से है। तो अपन को जिस हिसाब से रखना होगा रख लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको किस हिसाब से पसंद आ रहा है, कौन सा कलर है, डिज़ाइन कैसे करनी चाहिए, उस हिसाब से रखेंगे। बाकी मैं इस प्लास्टर को पहले सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो अपन इसको चेकआउट करें, 90 थे, अब 60 हो गए, चलो कुछ तो मिला अपन को, ठीक है। तो अपन देखेंगे उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये भी दीवार नीचे हुए देखेंगे, ठीक है। तो मैं इस ऑफिस को डिज़ाइन करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने किस हिसाब से डिज़ाइन किया। आपको अगर कोई आइडिया वगैरह हो डिज़ाइन तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जो आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।